बुजुर्गों से सीखें ज़िंदगी के 10 ज़रूरी सबक। रिश्ते और संस्कारों को सहेजने की सीख देते हैं बुज़ुर्ग। किसी भी घर में संस्कारों की नींव बुज़ुर्ग ही रखते हैं। अपने अनुभवों से न सिर्फ नई पीढ़ी को, बच्चों की परवरिश में मदद करते हैं, बल्कि अच्छे संस्कार सिखाकर उन्हें नेक दिल और बेहतर इंसान बनने में भी मदद करते हैं। इसलिए घर के बुज़ुर्गों की सलाह को कभी दरकिनार नहीं करना चाहिए। वह ज़िंदगी के बहुत से ज़रूरी सबक सिखाते हैं। माफ़ करना, घर में किसी से कोई गलत काम हो जाए या बच्चा कोई गलती कर दे तो हम तुरंत आग बबूला हो जाते हैं। उस वक्त हमें याद नहीं रहता कि गलतियां तो हमने भी की है, और हर इंसान गलती करता है। लेकिन बड़ा होने के नाते हमें छोटों की गलतियों को माफ़ कर देना चाहिए। घर में आपने दादा दादी या नाना नानी को अक्सर देखा होगा कि वह बच्चों की गलतियों और शरारतों पर कभी गुस्सा नहीं करते, और कोई चीज़ नुकसान करने पर भी डांटने के बजाय उन्हें प्यार से समझाते हैं। माफ़ करने की कला हमें बुज़ुर्गों से सीखनी चाहिए। धैर्य रखना, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन नई पीढ़ी दुख या असफलता मिलने पर तुरंत घबरा जाती है, जबकि हमारे घर के बुज़ुर्गों के अनुभव सुनने पर पता चलता है कि किस तरह उन्होंने धैर्य के साथ जीवन की कठिनाइयों का सामना किया, और आज भी कोई मुश्किल आने पर वह दूसरों का हौसला बढ़ाते दिखते हैं। दोस्त बनाना, आपने गौर किया होगा कि बूढ़े लोग बच्चों से तुरंत दोस्ती कर लेते हैं और उसके साथ खुद भी बच्चा बन जाते हैं। आज के समय में जहां हर कोई अपनी दुनिया में सिमटता जा रहा है और सामाजिक दायरा छोटा हो रहा है, ऐसे में दोस्त बनाने का यह गुण हम सबको अपने बुज़ुर्गों से ज़रूर सीखना चाहिए। रिश्तों को समेट कर रखना, किसी बड़े की गलती तो किसी छोटे की नादानियों को नज़रअंदाज करते हुए बड़े बुज़ुर्ग वर्षों से अपने संयुक्त परिवार को सहेजते चले आ रहे हैं। कई बार परिवार की खुशी के लिए उन्हें झुकना पड़े तो उससे भी उन्हें परहेज नहीं होता, क्योंकि उनके लिए रिश्तों से बढ़कर कुछ नहीं है। रिश्ते सहेजने का यह गुण हमें भी उनसे सीखना चाहिए। वादे निभाना, अपने दादा दादी या नाना नानी के वर्षों के साथ से आप भी सबक ले सकते हैं कि कैसे पार्टनर के साथ रिश्ता निभाया जाता है। आज के समय में तो छोटी छोटी बातें बड़ी तकरार में बदल कर रिश्ते टूटने का कारण बन जाती है। पति पत्नी अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें शादी के समय लिया साथ निभाने का वादा भी याद नहीं रहता। ऐसे में वादे निभाने का गुण बुज़ुर्गों को देखकर सीखिए। अच्छे संस्कार, स्कूल कॉलेज से शिक्षा मिलती है, लेकिन संस्कार तो घर के बड़े बुज़ुर्ग ही देते हैं, और कामयाब होने के साथ नेक दिल इंसान बनने के लिए संस्कार बहुत ज़रूरी है। दूसरों की मदद करना, आपने देखा होगा कि यदि सड़क पर भी कोई भूखा प्यासा मिल जाए तो आपके दादा दादी उसे खाना पानी पिलाने लगते हैं, क्योंकि उनसे दूसरों का दुख नहीं देखा जाता है। जितना हो सके वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते हैं। हमेशा मुस्कुराना,
मुस्कुराने से दुख और मुश्किलें दूर तो नहीं हो जाती, लेकिन उनसे लड़ने का हौसला ज़रूर मिलता है। तभी तो आपने अपने दादा दादी को देखा होगा कि घर में सबके चिंतित और परेशान रहने के बावजूद वह सबको मुस्कुरा कर हौसला रखने की सीख देते हैं। लचीला बनना। वक्त के साथ चीज़ें बदलती रहती है और हमें भी इसके साथ बदलना पड़ता है, वरना ज़िंदगी की रेस में हम पिछड़ जाएंगे। समय के साथ बदलने और लचीलेपन की यह सीख घर के बुज़ुर्ग ही देते हैं। जब 70 साल की उम्र में भी वह अपने पोते से लैपटॉप और मोबाइल के नए फीचर्स सीखते हैं। जिंदा दिल रहना। 70-75 की उम्र में भी आपने बहुत से बुज़ुर्गों को सुबह युवाओं के साथ दौड़ते पार्टनर के साथ ज़िंदगी की दूसरी पारी का आनंद लेते देखा होगा, जो यह बताने के लिए काफ़ी है कि उम्र तो महज एक संख्या है। यदि आप मन से खुद को युवा समझेंगे तो ज़िंदगी जिंदा दिली के साथ जी सकते हैं। अपने अनुभव और तजुर्बे से बड़े बुज़ुर्ग हमें ज़िंदगी के बहुत से ज़रूरी सबक सिखाते हैं, इसलिए हमेशा उनके प्यार और आशीर्वाद की छाया में रहने की कोशिश करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं, साथ ही लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की डेली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।